मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये चीज शायद आपने कई जगह सुनी होगी, लेकिन इटली के रहने वाले एक शख्स ने इसे पूरा करके दिखाया। जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि लैम्बोर्गिनी पे वीडियो बनाओ, मैं वीडियो ले आया। बिकॉज यू ऑल नो व्यूअर्स आर द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। आप लोग मुझसे वही वीडियो बनाने के लिए कहो और मैं ना बनाऊं, इम्पॉसिबल। आपने कहा मैं वीडियो ले आया, सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो टाइटल, हाउ लैम्बोर्गिनी बिकेम सक्सेसफुल। आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लैम्बोर्गिनी कंपनी को फरारी से बदला लेने के लिए बनाया गया था। वो कैसे, पूरी वीडियो देखो, अपने आप पता चल जाएगा। ये बात है फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की, जिनका की बर्थ बहुत ही गरीब परिवार में 1916 में हुआ था। उनके पिता एक फार्मर थे, किसान थे। स्टार्टिंग से ही फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जो ध्यान था वो मैकेनिकल चीजों पर ज्यादा ज्यादा था, और स्टार्टिंग से इनको गाड़ियों में बहुत ही इंटरेस्ट था, गाड़ियां काम कैसे करती हैं इसमें बहुत इंटरेस्ट था। इसी कारण से बड़े होके इन्होंने पढ़ाई भी इसी लाइन में की, इसी चीज की एजुकेशन ली और उसी बारे में ज्यादा जानकारी लेते गए। जब ये बड़े हो गए तब उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू चालू होने था, जिसके कारण इनको वर्ल्ड वॉर के टाइम वहाँ की जो आर्मी थी उन्होंने मैकेनिक की तरफ बुला लिया, और ये उनके खराब गाड़ियों को रिपेयर करने का काम करने लगे। उनकी टैंक्स खराब हो जाती थी उसको रिपेयर करते थे, उनकी कोई भी गाड़ियाँ खराब हो जाती थी उसको रिपेयर। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद इन्होंने खुद का एक गैराज चालू किया, जहाँ पे ये दूसरों की गाड़ियाँ रिपेयर करने का काम करने लगे। ये दूसरों की गाड़ियाँ मॉडिफाई करते थे, उनको रिपेयर करते थे। एंड अगर कभी इनको गैराज में किसी की गाड़ी रिपेयर करने का काम नहीं रहता था, ये फ्री रहते थे, तो ये खाली नहीं बैठते थे, ये खुद की जो इनकी कार थी उसको मॉडिफाई करने में बिजी हो जाते थे। लेकिन फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आया, मिलिट्री की जो खराब टैंक्स रहती थी, जो खराब मशीन्स रहती थी, उन सब चीज को इन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। उसके इंजन ये ले लेते थे, इनको खरीद लेते थे मिलिट्री से, पूरी गाड़ी नहीं सिर्फ इंजन खरीद, और फिर उन्हीं इंजन से ये बनाने लगे काफी ज्यादा ट्रैक्टर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इंजन किसी टैंक का है, किसी मिलिट्री व्हीकल का है, तो उससे बनने वाला जो ट्रैक्टर रहेगा वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए इनका ट्रैक्टर बहुत ही ज्यादा डिमांड में आ गया। एंड सेकेंड कारण इनके ट्रैक्टर के सक्सेसफुल होने का, वो ये था कि उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब सबका ध्यान अपने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में था, जिस कारण से लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो उनके ट्रैक्टर भी बहुत ज़्यादा बिके। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये वीडियो अगर मैंने लैम्बोर्गिनी के बारे में बनाई है, तो ये ट्रैक्टर के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सक्सेसफुल सुपर कार्स बनाने के पहले फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर कंपनी के मालिक थे। लेकिन इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब ये गए अपने सपनों की कार फरारी को खरीदने। उन्होंने खरीदी फेरारी 250, जो कि उस टाइम की बहुत ज्यादा मशहूर कार थी। कुछ दिन उसको चलाने के बाद इन्होंने ध्यान दिया कि इसके क्लच में कुछ प्रॉब्लम्स है। उसकी कंप्लेंट कहीं और करने की जगह इन्होंने सीधा फेरारी के फाउंड को कंप्लेंट कर दी। लेकिन लैम्बोर्गिनी का ये कदम फेरारी के ओनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने इनकी बेइज्जती करते हुए, इनकी इंसल्ट करते हुए बोला कि तुम्हारी औकात ही नहीं है फेरारी को चलाने की, तुम सिर्फ ट्रैक्टर भी चला सकते हो। अब अगर किसी का भी बचपन से सुपर कार्स में इंटरेस्ट है और कोई उसको ऐसा बोल दे, तो जाहिर सी बात है उसको बुरा लगेगा ही, एंड फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन उनको कुछ भला बुरा बोलने की जगह वो घर पे चले गए। उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मैं खुद की एक ऐसी कार कंपनी बनाऊंगा जो फरारी से भी आगे जाएगी। इन्होंने खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर दी और फेरारी के तीन पहले के एम्प्लॉयज को इन्होंने हायर कर लिया। 1964 में इन्होंने लॉन्च की लैम्बोर्गिनी 350, जो कि थी लैम्बोर्गिनी कंपनी की पहली कार। तब सारी दुनिया का ध्यान लैम्बोर्गिनी की तरफ आया जब 1966 में लैम्बोर्गिनी कंपनी ने अपनी लैम्बोर्गिनी मोरा लॉन्च की, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी, और उस टाइम पर बहुत सारे रेसर्स इसको खरीद रहे थे, बहुत सारे लोग इसको खरीद रहे थे।
फिर क्या था उसके बाद मैं ने कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखा, बस आगे बढ़ते गए, सक्सेस अचीव करते गए। आज हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो लैम्बोर्गिनी की गाड़ी खरीदे। इसकी स्टार्टिंग भी 3.5 करोड़ से हुई है। तो ये थी एक स्टोरी कि कैसे एक गरीब घर का लड़का वर्ल्ड क्लास गाड़ी बना देता है, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है, कोई आपकी बेइज्जती करता है, तो उसके मुंह में उसे भला बुरा कहने के जगह आप अपने लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ाओ कि आप ऐसी जगह पर पहुँच जाओ जहाँ ये पूरी दुनिया आपको सलाम करे। होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला, कोई अच्छी चीज़ आपको पता चली, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, एंड ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे होप, स्टे सेफ।